Okay, so the now last phase of this information lifecycle management is removing data. So what are the data you need to remove? So basically, data has to be periodically checked and removed when obsolete. ठीक है, होता क्या है, अब जैसे आप अपना जीमेल अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, तो जीमेल अकाउंट में क्या होता है कि आप देखते हैं कि डेली के जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो मेल आ रही हैं, उनमें से आप कुछ जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे किसी यूज की नहीं है, आप उनको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद भी वो आप देखिए तो ट्रैश में चली जाती है, और ट्रैश के बाद वहां पर भी आप देखिए तो 30 डेज तक वो रहती है, कि इन केस अगर आपको याद आ जाए इन बिटवीन और आपको लगे कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम की थी और जो गलती से डिलीट हो गई है, तो आप वहां से उसको जो है मूव टू इनबॉक्स कर देते हैं और वो वापस आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट 30 डेज तक वो जो है वहां पर रहती है। इसी तरह से जब आप अपने कंप्यूटर से कुछ डिलीट करते हैं, ठीक है, तो वो किस में जाता है, रिसाइक्लेबिन में जाता है, और रिसाइक्लेबिन में जा करके और जब वहां से आप परमानेंटली डिलीट करते हैं या सिर्फ डिलीट करेंगे, तभी वो वहां से पूरी तरह से डिलीट होगा, अदरवाइज वो वहां पर रहेगा। ठीक है, तो यू कैन एक्सेस, मान लीजिए आपने कोई गलती से कुछ डिलीट कर दिया है, तो वो आपके पास एक तरीके से डबल ऑथेंटिकेशन है, आप दोबारा जाकर के उसको वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। तो बेसिकली रिमूविंग डेटा मींस जो आपका अननेसेसरी रिडंडेंट ऑब्सोलीट डेटा है, उसको आपको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, परमानेंटली डिलीट कर देना है, जो आपके कभी काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो डेटा हैज टू बी पीरियोडिकली चेक्ड एंड रिमूव्ड व्हेन ऑब्सोलीट। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डेटा की पीरियोडिसिटी डिसाइड करती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में हमें डेटा को डिलीट करना है। ठीक है, पिछले 5 साल का ही डेटा रखना है या उससे पहले का डेटा हमें रखना है, किस कहाँ पर रखना है, किस तरीके से मैनेज करना है, कहाँ पर स्टोर करना है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये सारी चीजें कंपनी अपनी जो है डेटा पॉलिसी के अंदर रखती है। ठीक है, अभी आप देखिए जैसे कुछ लोग भी आजकल कैमरे वगैरह इस्तेमाल करते हैं दुकानों में और जगह जगह, है ना, तो कैमरे में जो स्टोरेज होती है वो तो लिमिटेड होती है, 15 दिन का ही वीडियो होगा या 1 महीने का वीडियो होगा या जितना आप, वो तो डिपेंड करता है कि आपने कितना स्टोरेज ले रखा है, तो उसके बेसिस पर तो पिछला क्या होता है वो ऑटोमेटिकली इरेज होता जाता है। ठीक है, पिछला डेटा इरेज होता जाएगा और नया डेटा जो है वो कैप्चर होता जाएगा। तो व्हाट इज दैट, दैट इज द पीरियोडिसिटी, है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, कितना डेटा आप रख सकते हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो डेटा हैज टू बी पीरियोडिकली चेक्ड एंड रिमूव्ड व्हेन ऑब्सोलीट। तो बेसिकली होता क्या है कि जो डेटा है जो आपको लगता है कि हाँ मुझे इतने टाइम तक रखना है, उतना आप रखते हैं, बाकी का आप क्या कर देते हैं, रिमूव करते जाते हैं, जो कि आपका डेटा ऑब्सोलीट होता जा रहा है। तो सर्टेन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हैज टू बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द मेन डेटा स्टोरेज। तो जनरली क्या होता है, क्लासिफाइड बेसिकली जो एड्स वगैरह आप देते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ एक सर्टेन इवेंट के लिए, जैसे होता है ना कि आपने कोई कंसर्ट करानी है, ठीक है, तो आपने अपने ब्रांड के तहत आपने एक कंसर्ट कराई, तो कंसर्ट की एक डेट होगी, एक पर्टिकुलर टाइम होगा, तो तब तक तो आप उसे खूब प्रमोट करेंगे, लेकिन जैसे ही वो कंसर्ट ओवर हो जाएगा, उसके बाद अब वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, नहीं है आपके लिए, वो क्या है, ऑब्सोलीट है। अब भी अगर आप वो अपनी वेबसाइट में, अपने जो ऐप है उसमें अगर शो करते हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, तो क्या करते हैं बेसिकली आप उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स आप लोगों ने देखी होंगी जिसमें आप देखिए बहुत पुराना डेटा दिखाते हैं ना, 2006 का, 2015 का, या इस तरीके का अगर पुराना डेटा होता है, तो आप क्या, आपके मतलब दिमाग में एक तरीके से क्या इमेज जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर्टिकुलर ब्रांड के रिगार्डिंग, कि ये केयरलेस टाइप के हैं, मीन्स बेसिकली इन्होंने जो भी रिडंडेंट डेटा है, ऑब्सोलीट डेटा है, तो इसको ये रिमूव नहीं कर रहे हैं, मीन्स ये है कि अपनी वेबसाइट रिलुक ही नहीं करते हैं, दोबारा से देखते ही नहीं है, ठीक है, बना करके छोड़ दिया है। ठीक है, तो व्हाट इज दैट, दैट इज व्हाट मीन्स, एक तरीके से निगेटिव इमेज डालता है रिमूविंग मीन्स। तो आप टाइम टू टाइम उसको जो है एक सर्टेन पीरियोडिकली, है ना, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी में उसको चेक करिए और उसको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहिए। ओके, तो यही ये कह रहा है, सर्टेन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हैज टू बी इमीडिएटली रिमूव्ड फ्रॉम द मेन डेटा स्टोरेज एंड स्टोर्ड सिक्योर्ड इन अ सेपरेट एनवायरनमेंट स्पेशली मेंटेन फॉर इट। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इसको फर्दर स्टोर करने की जरूरत है, तो आप इसको अलग से कहीं पर, जैसे मैंने बताया ना कि आपने 5 साल की फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर रखी है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं कि उसको स्टोर करना चाहें, तो आप कहीं पर स्टोर रूम बना करके या कहीं डेटा सेंटर बना करके उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं रिमोटली। अब आजकल तो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग अवेलेबल है, तो उसमें आप जितना डेटा चाहें तो उतना आप रख सकते हैं, इवन स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। तो आज के टाइम में उसको मैनेज करना, मेंटेन करना थोड़ा सा ज्यादा इजी हो गया है। ठीक है,
डेटा टेंड्स टू गेट ऑब्सोलीट ओवर टाइम। अब बेसिकली डेटा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि टाइम के साथ साथ ऑब्सोलीट होता जाता है, ठीक है। पिछले साल की या उससे पहले के साल की जो इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्ड है, या पिछले 5 साल, पिछले 10 साल की इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड है, उससे उसका आपका बहुत ज़्यादा कुछ मीनिंग नहीं रह जाता है, ठीक है। जैसे होता है ना, होटल होटल में क्या होता है कि कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स का डेटा लिया जाता है, एक बड़ा सा रजिस्टर होता है, ठीक है। उसमें आप देखिए नेम, कहाँ से आए हैं, कहाँ आप जाना चाहते हैं, ठीक है, किस पर्पज से विजिट किया है, किस डेट पर आपने एंटर किया, चेक इन किया, किस डेट पर आपने चेकआउट हुए हैं। और आप देखिए आपके आधार कार्ड का या पैन कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ का एक फोटो कॉपी वहाँ पर होता है, ठीक है। अब आप अगर होटल वाले से पूछे कि बताइए मैं 6 साल पहले यहाँ आया था, आप मुझे जो है डेटा दे दीजिए, क्या वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो डेटा उसके लिए ऑब्सोलीट है, उसके लिए कोई मीनिंग नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल तक का डेटा रखेगा, उससे पीछे का डेटा वो क्यों रखेगा, ठीक है। क्यों उसको स्टोर करना है, मेंटेन करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि उसके साथ एसोसिएटेड है। तो सच ऑब्सोलीट डेटा बिकम एन ओवरहेड टू द डेटा स्टोरेज। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, ये हमारे लिए एक ओवरहेड बन जाता है, ठीक है, जो कि कॉस्ट इनकर करता है। उसके लिए हमें कुछ लोग रखने पड़ेंगे जो उसको मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, ठीक है। एंड प्रोसेसिंग एंड हेंस इट केयरफुली सॉर्टेड एंड रिमूव पीरियोडिकली फ्रॉम द डेटा सर्वर। तो बेसिकली होता क्या है कि हम इसको केयरफुली सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट मीन्स अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं, और उसके बाद उसे टाइम टू टाइम मीन्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, एक पर्टिकुलर पीरियड में हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करते रहते हैं, जिससे कि हमारा डेटा सेंटर जो भी है वो फ्री रहे, मीन्स प्रोसेसिंग इजिली हो पाए, है ना। आप अपने जो ड्राइव है, गूगल ड्राइव भी तो आप ऐसे ही करते हैं ना, कि जो डेटा है आपने मान लीजिए शेयर किया, कोई फोटो शेयर की, कोई वीडियो शेयर की अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, अब उसके बाद आपने हफ्ता 10 दिन उसको डाल करके रखा, उसके बाद आपने देखा यार ये तो मेरी ड्राइव जो है कंज्यूम कर रहा है स्पेस, तो आपने क्या किया, लोगों से सबसे कॉल करके पूछ लिया कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको डिलीट कर देते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी ड्राइव फ्री हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिटेशन है 15 GB, ठीक है। अब उससे ऊपर अगर आप एक्सीड करते हैं तो या तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आप उसको फ्री रखिए, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, तो बेसिकली आप एक पीरियोडिसिटी है ना, एक सर्टेन टाइम डिसाइड करते हैं कि इस टाइम पर मुझे जो है डेटा को इतने पीरियड का डेटा रखना, और इससे ज़्यादा अगर एक्सीड हो जाता है तो मैं इसको इस टाइम तक यहाँ रखूंगा, जैसे ट्रैश में रखूंगा, और ट्रैश के बाद भी अगर होता है तो मैं डिलीट कर दूंगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था मेल का, तो मेल में क्या होता है कि जैसे आपने डिलीट कर दिया तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए किसी काम का नहीं है, फिर भी वो 30 डेज तक रखता है। क्यों रखता है कि इन केस अगर आपको लगे, ठीक है, कि आप उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नेक्स्ट 30 डेज हैं आपके पास, आप उसमें से उसको फिर से दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसमें भी आपने नहीं उसका यूज किया तो इसका क्या मतलब है कि वो डेटा आपके लिए यूजलेस है, तो वो परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो डेटा एंटरिंग द बिजनेस एंड लीविंग इट मे हैपन ओवर मेनी मंथ्स और ईयर, समटाइम्स अ पार्ट ऑफ ओल्ड इंफॉर्मेशन इज ग्रुप्ड एंड स्टोर्ड एंड द बेस इंफॉर्मेशन इज रिमूव्ड, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे अभी मैंने पिछले स्टेप में बताया था आपको कि आप आर्काइव करते हैं, तो आर्काइव में क्या करते हैं, आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, डेटा सेट प्रिपेयर करते हैं, और उसमें समरी के फॉर्म में डेटा रखते हैं, ठीक है। तो जनरली ये ग्रुप या स्टोर ग्रुप्ड करके और उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और फिर बाकी के जो रॉ डेटा है उसको आप क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो दिस मेक्स श्योर दैट द कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन इज यूज वेयर रिक्वायर्ड। तो बेसिकली होता क्या है, वो कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे आज के दिन पर कितने सेल्स पर्सन, ठीक है, किस एरिया को विजिट किया, उन्होंने कितनी सेल की, कितने प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट लिए, वो उसकी समरी आपके पास है, ठीक है, और उसका पूरा डेटा आपके पास है, ठीक है। तो फर्दर आप उसका इस्तेमाल करेंगे ना, ठीक है, कंसोलिडेटेड आपको अगर सेल निकालनी है पिछले लास्ट ईयर की या पिछले क्वार्टर की, वो आप निकाल सकते हैं। तो वो आप कंसोलिडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप यूज कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। और जो जिन्होंने सीधा नो रिस्पॉन्स दिया है, जो फर्दर नॉट इंटरेस्टेड है या कोई और प्रोडक्ट परचेज कर चुके हैं, ठीक है, उनका डेटा अब आपके लिए किसी मायने का नहीं है, किसी मीनिंग का नहीं है, तो उसको आप क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए क्या है, ऑब्सोलीट डेटा है। द डेटा गोज थ्रू अ रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज इन एवरी बिजनेस, ठीक है। तो इवन दाउ द फेजेस मे बी नेम्ड डिफरेंटली, बिजनेस इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द बिजनेस टू मेक द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इट कैप्चर्स एंड जनरेट्स। सो बेसिकली दीज आर द फेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। सो इन्हीं सब का हम इस्तेमाल करते हैं टू मैनेज द इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड टू यूज इट।
Is there any doubt regarding this island and its phases? You can ask. Do you have any problem regarding island phases? This is the most extended ILM, Information Life Cycle Management, I have seen. That is 7 phased, है ना? और बेसिकली आपको बुक्स में जो 4 एंड 5 फेज ILM मिलेगी, ठीक है? तो मैंने इसका रेफरेंस भी दिया था, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं. ये है आपका द इंटैक्ट वन डॉट कॉम. तो यहाँ पर आप इसमें जा करके और इस चैप्टर में यूनिट 2 में इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा. और अदर वेब रिसोर्सेज से भी आप देख सकते हैं फर्दर, इसमें कुछ और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, तो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? नो सर, ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.